लक्ष्मी की कृपा अगर आपके घर में हो जाए तो रिस्पेक्ट क्या, धन दौलत क्या, इच्छा पूरी क्या, हर चीज़ आपके घर में आ जाएगी। पर सारा सवाल तो ये है कि उन्हें प्रसन्न करें कैसे। मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे करें, पर इससे पहले शिव जी की भी तो बात करनी है। सावन का महीना और शिव जी की बात ना करें ये कैसे हो सकता है। जानते हैं शिव जी को कैसे करें खुश। भोलेनाथ को अगर आपको खुश करना है तो कैसे करेंगे ये उपाय जानते हैं। भगवान शिव को अगर आपको खुश करना है तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जिससे भगवान शिव खुश हो जाते हैं। और सावन में अगर ये चीज़ें नहीं करी तो फिर क्या करी, तो बताती हूँ आपको क्या करें। शिव जी को और पार्वती माँ को आप खुश कर कर अपनी मैरिड लाइफ को बेटर कर सकते हैं। जानते हैं कैसे। आपको 11 दिन मंडे से स्टार्ट करते हुए या आप थर्सडे से स्टार्ट करते हुए 11 दिन आप क्या करेंगे कि जैसे ये शिव परिवार होता है शिवलिंग वाला, उसमें शिवलिंग होते हैं और फिर उसमें पार्वती माँ होती हैं, तो आपने शिवलिंग और पार्वती माँ को रौली, जो हम हाथ पे वो मौली बांधते हैं, उस मौली से 7 राउंड्स घुमाना है आपस में दोनों को, पार्वती माँ को और शिव जी को 7 राउंड्स घुमाकर 7 गांठ बांध देनी है। इसके बाद उस पर 7 लाल फूल रख देने हैं, थोड़े से चावल के दाने और दोनों पर लाल कुमकुम का तिलक कर देना है, माँ पार्वती पर और शिवलिंग पर। ऐसा आप लगातार 11 दिन करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। जैसे आपने उन्हें एक बंधन में बांधा, ऐसे शिव जी भी आपको आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके लवर के साथ बंधन में बांध देंगे। सिर्फ आपको बता देना कि कल कैसा रहेगा, इससे क्या फ़ायदा है। मज़ा तो तब है जब बीमारी के साथ इलाज भी बताया जाए। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है अपने कल को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए बताऊंगी कल क्या करें। इससे पहले जानते हैं माँ लक्ष्मी को कैसे करें खुश। माँ लक्ष्मी आपके घर में क्या क्या नहीं ला सकती, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं आपके घर में आए, इसके लिए क्या करना है देखते हैं। अगर माँ लक्ष्मी आपसे खुश हो जाए तो समझिए आपकी तो गाड़ी चल पड़ी। आपके घर में पैसा क्या, धन दौलत क्या, यश क्या, सम्मान क्या, आखिर तो ये सारी चीज़ें पैसे से ही आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास कैसे आएँ, ये उपाय बताती हूँ। आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें और रोज़ उनको वाइट कलर के 5 फ्लावर्स पहले चढ़ाएं और फिर आप धूप बत्ती देकर और साथ में दिया जलाएं। इसके बाद पूजा घर में श्री यंत्र रखें और उनको भी आप सेम प्रोसीजर से पूजें। पहले फूल चढ़ाएं एक और फिर धूप बत्ती देकर आप आराम से उनको, उनके आगे प्रार्थना करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की पादुकाएँ लगाएं, जो वो पैर आते हैं ना छोटे छोटे, वो लगाएं। ये भी पूजा घर में रख दें। ध्यान आपको ये देना है कि पादुकाओं की दिशा उस तरफ हो जहाँ आप कैश या ज्वेलरी रखते हैं। सपोज़ आपका मंदिर यहाँ है और आप कैश इस तरफ रखते हैं, तो ऐसे रखी कैश की तरफ फेसिंग वो पैर जो हैं, वो जो पादुकाएँ हैं वो होने चाहिए। एक काम और करें, कौड़ियाँ आपके घर में फाइनेंसिस को, पैसे को आकर्षित करती हैं, इसलिए पूजा घर में 11 कौड़ियाँ ज़रूर रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप कैश बॉक्स में या लॉकर में दक्षिणाव्रती शंख रखें, जो आपको बाजार में ईजिली मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर ज़रूर आएंगी, आएंगी भी और रुकेंगी भी।